राधो, राधो, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो सफाई वाला वापस आ गया है। तुमने उसे कहाँ देखा? वो हमारे अपार्टमेंट का वॉचमैन बनकर आया। चलो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। तुम जाओ। किसी ने हमें एक साथ यहाँ देखा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है। इस वॉचमैन को मैं ज्यादा सीरियस तो नहीं ले रही हूं। प्लम्बर आया है, टैप बंद करना था। वॉचमैन, तुम्हारा नाम क्या है? वॉचमैन। हेलो। हाँ, बैठो बेटा। भाई साहब, राधा और विक्रम एक दूसरे को चाहते हैं। हमें तो राधा बिटिया पसंद है। अच्छी बात है, आप सबको मेरी बेटी राधा पसंद है।
पर मुझे भी तो आपका बेटा पसंद आना चाहिए। हमारे बेटे में क्या कमी है, एसआई ट्रेनिंग कर चुका है, कुछ ही दिनों में पोस्टिंग भी हो जाएगी। पापा अंकल आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी राधा मेरे घर से ज्यादा आपके घर में खुश रहेगी। इसकी मां नहीं है, जाने अनजाने अगर इससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। भाई साहब अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को जमाई बनाकर भी रख सकते हैं। मेरी ऐसी किस्मत कहां भाई साहब, आप लोग अपनी बहू को अपने घर लेकर जाइएगा। अच्छा सा दिन देखकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त निकलवा कर आपको सूचित करता हूँ। अब हमें आगे ठीक है, नमस्ते, चलता हूँ बेटा। चलो बेटो बाय। वॉचमैन जरा बच्चे को उठाओ। वॉचमैन बच्चे को नीचे रख दो। रुक जाओ, देखो बेटा अब से तुम्हें इस पैर से चलने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम सोचते हो ये तुमसे नहीं होगा तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर तुमने कुछ करने का फैसला किया तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने दिमाग का हौसला बढ़ाओ। शरीर को एक्टिव करो। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए और तुम गिर जाओ तो तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम जीवन में कभी नहीं चल पाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। विवेकानंद जी ने कहा था हिम्मत जीवन देती है और कमजोरी मौत। अगर तुमने चलने की ठान ली हो तो जमीन पर गिरने के बाद भी उठो और आगे बढ़ो। अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपना मनोबल बढ़ाओ और हौसलों की उड़ान भरो। कौन है वहां?
अब बोलो कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? जबरदस्त था भाई, ये सीन देखकर तो अपने वॉचमैन की हवा टाइट हो गई भाई। अगले 2-3 महीने तक यहाँ कोई वॉचमैन काम पर नहीं आएगा। हाँ। Cheers! टेंशन मत लो, कूल। इसे पियो, टेंशन कम होगा। शिवानी, हम जहां जा रहे हैं वहां के बारे में तुम्हारे पापा को कभी भी पता नहीं चलेगा। चलो।
इतना बड़ा घर, वो भी इस जंगल में। सुहागरात की तैयारी भी की है। तुम यहीं रुको। केशव, 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 दरवाजा खोलो केशव। कैसा लगा मेरा फर्स्ट नाइट का सरप्राइज? शांत हो जाओ, फर्स्ट नाइट में थोड़ा थ्रिल तो होना ही चाहिए ना शिवानी। फ्यूचर लवर्स जब हमारी लव चेजिंग, शादी, फर्स्ट नाइट का सेटअप देखेंगे तो उन्हें हॉरर कहानी देखने को मिलेगी। तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी जान निकालने। दोबारा ऐसा मत कहना। त्रिशु, हाँ? प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक क्या होता है? प्रेम ही तो एक पूजा है। तो तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी पूजा करते हो? प्रेम से तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला। तुम बहुत अच्छे हो। I'm very lucky. I'm very happy. I love you so much. तुम्हारे साथ जीने के लिए मैं कई जन्म लूंगा, पर इस जन्म का साथ खत्म हुआ। इसने लड़की को मार दिया। ओ, तुम तो परेशान हो गई। ये सिर्फ एक सिनेमा है, इसके बारे में इतना मत सोचो। तुम्हें ये सब दिल पर नहीं लेना चाहिए। प्यार के जाल में फंसाकर किसी को मारना, ये पाप नहीं है? देखो यार, हमें पता है जब तू किसी चीज से कनेक्ट होती है तो उसमें दिल की गहराई तक घुस जाती है, पर यहाँ तो थोड़ा अपना एक्सप्रेशन बदलो। क्या हुआ? इसने रास्ता रोका है। हमें झगड़ा नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। ये देखो, ऐसे लोग बातों की भाषा नहीं समझते। ए, कहीं ये लड़की पेपर स्प्रे तो नहीं निकाल रही? अबे आजकल इसी का फैशन है, निकल लेते हैं। मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा। क्या हुआ, सिग्नल नहीं आ रहा है? हाँ, मेरे फोन से बात कर लो। तुम्हारे लिए कॉल करना वेस्ट है। मैसेज बैलेंस है क्या? 100 मैसेजेस फ्री है। मुझे इतने नहीं चाहिए, एक ही मैसेज काफी है। क्यों रे, अकेली लड़की देख ही नहीं, उसको छेड़ने लगती। एक एक करके सबकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। क्या करेगा हा? बोलना क्या करेगा? अबे क्या करेगा बोलना। करके दिखा, करके दिखा। चल।
चलो। क्यों रे, हम लोगों को डरा कर खाते हैं। अगर तुम इस तरह से डर कर भागोगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगर ऐसा ही चला तो हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। वो दिखने में कैसा था भाई? पूरा हीरो लग रहा था भाई। मुझे पता नहीं वो रहता क्या, लेकिन उसका नंबर है मेरे पास। उसका फोन नंबर तेरे पास है? चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले उसे फोन लगाओ। हाँ भाई। भाई रिंग जा रही है। क्यों रे, तूने मेरे आदमियों को मारा? तू कहीं का हीरो है क्या बे? क्या बकवास कर रहा है, मेंटल है क्या? मेरी एक बेटी है पर वो हीरोइन जैसी है। क्या मैं तुझे हीरो जैसा लगता हूँ? बेवकूफ, अगर तुझे मेरी उम्र देखनी है तो वॉइस कॉल मत कर, समझा? वीडियो कॉल कर ले। क्या हुआ भाई? भाई कौन था वो लड़का? कौन सा लड़का पापा? अरे वही जिसने हीरो बनकर उन गुंडों से तुम्हें बचाया और उनकी धुलाई की। मुझे उसके बारे में नहीं पता पापा। तुमने कहा था कुछ भी हो जाए तुम किसी के करीब नहीं जाओगी। इसमें बहुत रिस्क है बेटा, तुम्हें बचाने के चक्कर में उसकी जान जा सकती थी। तुम अपने बाप को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। कुछ भी हो, पर कौन था वो हीरो जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, पता करना पड़ेगा। वो मेरा भाई है, मैंने ही उसे मैसेज करके बुलाया था। तुम्हारा भाई? हाँ, पर तुमने उन गुंडों के फोन से किसे मैसेज किया? इसका कोई भाई तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता इसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा जो दौड़ा चलाएगा। वहाँ पर अंकल भी आए थे, इसी ने बुलाया होगा उन्हें। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने पापा को मैसेज कर दिया था। तुम्हारे भैया वक्त पर आ गए और हमें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। अरे पुलिस तो हमेशा क्लाइमेक्स में आती है, पर ये शुरुआत में कहाँ से आ गई? वो बिल्कुल हीरो जैसा है, कभी प्रॉब्लम में एक मैसेज कर दो फिर वो सब संभाल लेगा। ऐसा है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जब तुम्हारा भाई यहाँ आएगा तो उसी से पूछ लेना। मेरे भाई को पटाना इतना आसान नहीं है, आखिर वो हीरो जो ठहरा। क्या उसे कभी किसी से प्यार नहीं होगा? गब्बर सिंह और पावर स्टार पवन कल्याण ने स्त्रियों पर एक डायलॉग बोला था, याद है? अब मैं मर्दों के ऊपर एक डायलॉग बोलने जा रही हूँ। लड़कों को लड़कियों से प्यार का इजहार करना चाहिए, पर उसमें भी ध्यान रहे, पहले लड़कों को इजहार करना चाहिए, वो भी किसी से प्यार का इजहार करेगा। अब देखना यहाँ क्या सीन होने वाला है। मेरे सीनियर्स मेरी रैगिंग लेकर परेशान कर रहे हैं। प्लीज सेव मी। पता है यामिनी ने क्या मैसेज किया था? भैया सुनो ना, हम यहाँ बालाजी थिएटर के पास हैं और कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं, जल्दी आकर हमें बचा लीजिए भैया। और अभी मेरे पास क्या मैसेज है? प्लीज भैया हमें बचा लो, कॉलेज में कुछ सीनियर हमारी रैगिंग कर रहे हैं, आ जाओ ना भैया प्लीज। मैसेज इतना अच्छा था, पक्का ये मेरी बहन नहीं कर सकती। मुझे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भेजा।
आप एक महान पुलिस वाले हैं। By the way, my name is Vikram. राधा। चला जा। कॉफी के 2000? हाँ? क्या हुआ? मम्मी डैडी ने पॉकेट मनी नहीं दी क्या? जो ये पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी? अगर तुम्हारा भाई मेरे जैसा होगा, तो उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगेगा। अपनी ओवर एक्टिंग बंद करिए। इसके सामने भाव खा रहे हो? क्या बात कर रही हो? जब मैंने तुम्हें फोन किया, तो तुमने कट क्यों किया? वो क्या है कि यामिनी का फोन कट किया तुमने? हेलो, अब ड्रामा बहुत हो गया। हाँ, तुमने भी मेरा फोन कट किया था। जब पापा ने मुझे पॉकेट मनी दी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर ट्रीट दी। पर मेरे पैसे कहाँ गए? अरे बेटा, हाँ? दो प्लेट इडली, दो प्लेट उपमा लेकर आओ। ठीक है सर। तुम तो बिल लेकर आए हो? हाँ। लेकिन मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या बोल रहे हो यार? सिम्बा, ए सिम्बा जी, इन साहब को अंदर ले जाओ और अच्छे से दाल घुटवाओ, जाओ। सर। क्या है? सेम सिचुएशन सर। क्या क्या खाया? पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में थी सर। वेटर, इनका बैग और फोन ले लो और किचन में बर्तन मंजवाओ। ठीक है सर। सर, हमने पूरा किचन मस्त साफ कर दिया, अब चलें सर। काम लेने के बाद लोगों को आजाद करना, पनिशमेंट कम कैश आज का ट्रेंड है। अपने किसी जानने वाले को फोन करके कैश मंगाओ, नहीं तो पूरे एक महीने वेटर का काम करना पड़ेगा। ओ अच्छा, ऐसी बात है। कल शीनू मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, तो मैंने तुम्हारी पर्स से निकाल के उसे दे दिए थे, बस तुम्हें बताना भूल गया था। इधर लाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। यामिनी, मुझे बिल भी तो देना है। खुद से मैनेज करो। सारे पैसे पर्स में ही थे, अब क्या करें? मैं मैनेज कर लूंगी। अरे बाप रे, कहीं ये माँ से ना बता दे, मुझे इसे रोकना होगा। ओके। क्या हुआ? उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ क्या? माँ, ये सब झूठ बोल रही है। राधा बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। इसने तो कुछ बताया ही नहीं, वैसे ये झूठ क्यों बोलेगी? वैसे हमने पकड़ तो लिया है, लेकिन ये राधा कौन है? कुछ नहीं माँ, राधा और मैं दोस्त हैं। देखो, अगर बात करते करते हिचकी आने लगे, इसका मतलब आपके दिल में किसी के लिए प्यार है। राधा को जरा घर लेकर आना। ये लोग शांति से मुझे पूजा भी नहीं करने देते। अरे काशी, अरे काशी, तू कहाँ छुपा बैठा है बे? आपके सामने खड़ा हूँ। इस अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने अपार्टमेंट के लोगों पर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। पता नहीं अभी कौन सी नई गड़बड़ होने वाली है। ये मूसा अपनी जुबान पर अटल है, वो कभी नहीं बदलेगा। अपनी बकवास बंद करो और चल कर देखो कि मामला क्या है। तो चल, फॉलो मी। ये अपार्टमेंट हमारे एरिया में आता है, तू कौन है बे? तुझे क्या लगता है कि मैं एक नंबर का गवार हूँ? मो यानी ये मॉडर्न और सा मतलब ये संस्कृति, दोनों को मिलाकर मैंने मूसा बनाया और इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन गया। मुझसे उलझेगा ना तो तेरा हुलिया बदल दूंगा। ये बातें आप पर शोभा नहीं देती, कोई और होता तो भी ठीक है। तू क्या बोला बे? तेरे मन की बात सुन रहा हूँ।
तो फिर तू ही इन लोगों को बाहर निकाल। इनसे पंगा क्यों ले रहे हो? 10 रुपए देंगे तो खुद चले जाएंगे। जब तुझे पता है तो जाकर दे देना। हाँ ठीक है ठीक है। माइंड होने से कुछ नहीं होता, उसे चलाना भी पड़ता है। प्रेसिडेंट जी, हाँ? आज ये भिखारी हमारे घर तक पहुँच गए हैं, कल हमारे बेडरूम में आप पहुँच जाएंगे। आप प्रेसिडेंट है, आपको ये सब बंद करना चाहिए। आपका मतलब है मैं ये करूँ? ठीक है, वही करूंगा। अमेरिका से इवांका को मंगवा लेता हूँ, फिर दुनिया की सारी सिक्योरिटी यहीं पर होगी। नामुमकिन बात क्यों कर रहे हो सर, ये मुमकिन नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हमारे सर जरूर करेंगे। हाँ। अरे प्रेसिडेंट भाई, ट्रीटमेंट के बिना पेशेंट और वॉचमैन के बिना अपार्टमेंट दोनों ही सेफ नहीं है। पहले यहाँ एक वॉचमैन को अपॉइंट करना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। मैंने सिक्योरिटी एजेंसी को फोन किया था, पर वो यहाँ वॉचमैन भेजने में डर रहे हैं भाई। अरे मुरली भाई, आप हमारे वॉचमैन से अपना पर्सनल काम करवाने लगते हो। और मैं क्या करूं भाई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और हफ्ते में एक बार उसे खंभा लेने के लिए भी भेजता हूं बस। वाह भाई, अब मैं समझ गया कि यहाँ सिक्योरिटी वाले क्यों नहीं रुकते। हा? मैं समझ गया। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम, देखता हूँ। ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है मैडम, इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगर दूसरा ऑटो आता है तो आप उसमें बैठ के चले जाइए। ठीक है। पास में ही रहती हूँ, पैदल चली जाऊंगी। ओके मैडम। तो रात में एक परछाई ने तुम्हारा पीछा किया। अगर वो परछाई भूत होती तो तुम पर हमला करती या तुम्हें डराती, पर ऐसे पीछा करना। शायद वो परछाई राधा से प्यार करती हो। भूतों को भी प्यार होता है। अगर वो लड़की राधा जैसी हो तो फिर आत्मा ही क्यों? प्रेतात्मा को भी प्यार हो जाता है। पता है कल रात को मैं कितनी घबरा गई थी? तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है? राधा, just joking, don't take us serious. मैं दूसरों का दुख बांटना चाहूंगी, ना कि कभी उसका मजाक उड़ाना। Yeah.
पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कल रात यही मेरा पीछा कर रहा था। तुमने तो बताया था कि कोई परछाई थी। मुझे लगता है वो परछाई इसी की थी। मुझे लगता है उस परछाई से कुछ ज्यादा ही घबरा गई हो, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब उस परछाई के बारे में सोचना बंद करो और क्या? अगर तुम मेरे बारे में सोचती हो तो अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम जाओ, बाय। बस हो गया? अब और क्या चाहिए? मेरा मतलब है कि चलो बाय। अरे सुन राधा, क्या हमारे दिल में क्या चल रहा है किसी लड़की को बताने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे लड़कों के बारे में तो पता नहीं, पर लड़की कभी सामने से जाकर प्यार का इजहार नहीं करती है, ये उसे भी मुश्किल होता है। अगर हम यहाँ खड़े बात करते रहे तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। अब जाओ, बाय, टेक केयर, बाय। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? अगर दोबारा दिखे राधा, क्या हुआ? कुछ दिन से ये मेरा पीछा कर रहा है, अगर इसका चेहरा देखूंगी तो रात में बुरे सपने आएंगे इसकी तो मैं। राधा रुक जाओ। हे, मैंने भी तुझे राधा के घर के पास देखा था उस दिन, तो इसका पीछा क्यों कर रहा है? ये ऐसे कुछ नहीं बताएगा, पुलिस में कंप्लेन करते हैं तभी इसे समझ में आएगा। देख, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, दोबारा इसका पीछा कभी भी मत करना, चल जा। अबे जाना। राधा, कूल। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। राधा, ये मेरी माँ है। माँ, ये राधा। नमस्ते आंटी। अंदर आ जाओ। तुमने बताया क्यों नहीं तुम घर लेकर आ रहे? ये सरप्राइज कैसे रहता? चलो। यामिनी, देखो तो कौन आया है। हे, हाय। हाय। सुनिए जी, ये राधा है, हमारे विक्रम की दोस्त। नमस्ते अंकल। कैसी है बेटा? ठीक हूँ अंकल। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? माँ तो बचपन में ही चली गई, सिर्फ पापा ही हैं। वो एक बैंक मैनेजर है। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत होना, आज के बाद हमारी दो बेटियां हैं। विक्रम ने बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या
जान, आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो। एक नया आइटम आया है, उसे छूने से करंट के झटके लगते हैं। अच्छा, तो आ जाओ। मैं वहाँ आना चाहता हूँ, पर मेरे बॉस ने मुझे इतना थका दिया है कि मेरी बॉडी करंट ही पैदा नहीं करता है, और नाइट ड्यूटी में ये सब बातें करके मेरा ध्यान मत भटकाओ। बाद में फोन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करो। तुम इस अपार्टमेंट के वॉचमैन हो? एक्सक्यूज मी, वो मेरा असिस्टेंट है। वॉचमैन का असिस्टेंट? कितनी सैलरी है तेरी? सर, लगता है शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं और वॉचमैन भी नहीं है। वॉचमैन उठी गया हुआ है, सीसीटीवी के लिए मैंने अमेरिका में ऑर्डर कर दिया है, वो बस आता ही होगा। तुम ऐसे गधों जैसे काम करते हो, ऊपर से मॉडर्न नीचे से ट्रेडिशनल। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, सीसीटीवी कैमरा और वॉचमैन दोनों चाहिए। ठीक है सर। अभी यहाँ कुछ लोग 4 बाइक से आए, कहाँ है वो? वो तो हमारे बच्चे जैसे हैं, इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। टेक केयर। बिल्कुल सर। ए, तेरे कान में हड़ताल हो गई है क्या? फोन की घंटी सुनाई नहीं देती क्या? तेरे कान बहरे हो गए हैं, फोन बज रहा है सुनाई नहीं देता, ऊपर से मुझे घूर रहा है नालायक। फोन उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? सिक्योरिटी एजेंसी से बोल रहा हूँ। 1 मिनट सर, सिक्योरिटी एजेंसी से फोन आया है। इधर दे, अब जा अपना काम कर। हाँ, वही तो कर रहा हूँ ना, आया बड़ा। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ सर। तुम बाद में बोलना भाई, पहले वॉचमैन के बारे में बताओ। रुद्रा नाम के एक वॉचमैन को हमने आपके अपार्टमेंट पर भेजा है सर, वो बस पहुँचता ही होगा। तुमने नया वॉचमैन भेजा है, यहाँ के बारे में उसको पता है क्या? आप वहाँ है ना सर बताने के लिए? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं उसे सब समझा दूंगा, पहले उसे जल्दी यहाँ पर भेजो, लोग मेरी जान खा रहे हैं यार। वो बस पहुँच ही रहा होगा सर। हाँ। पास एक कुर्सी रखी हुई है, जाकर उसी पर बैठो, मैं बाद में आकर तुम्हें समझाता हूँ, मुझे भी बहुत सारा काम है। हाँ।
वॉचमैन। न्यूज़पेपर लेने आया था, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ। जाता हूँ। बेवकूफ पता नहीं, पर मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। अब ठीक है। ये पागल है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पागल जरूर कर देगा। आहा, कितना शुभ दिन है, कितना शुभ दिन है। साक्षात लक्ष्मी माता आज इस गरीब के घर पर पधारी हैं। अच्छा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए क्यों आई है? अगर आप ऐसी बेवकूफी करेंगे तो यही कहेंगे ना। मैंने ऐसी क्या बेवकूफी की? आपने उस वॉचमैन को अपॉइंट क्यों किया? वो दिखने में चोर लगता है, उसे अभी निकालिए। मैं क्या करूं मैडम, वॉचमैन नहीं था तो वॉचमैन बुलाने के लिए लोग मेरी जान खा रहे थे। मैंने कितनी मेहनत से पूजा पाठ करके वॉचमैन बुलाया, अब आपको वो चोर दिखता है। मैं उसे वापस भेजकर लोगों से मेरे बाल नोचवाऊं क्या? आपने उसका चेहरा देखा है? एक नंबर का चोर लगता है वो, ध्यान से कभी देखा नहीं क्या? मैडम, वो गेट पर खड़ा रहने वाला वॉचमैन है। वो बॉलीवुड के किसी स्टार का बेटा नहीं है जो स्मार्ट दिखेगा। मुझे ये सब कुछ पता नहीं, आप बस उसे यहाँ से निकालिए। उसे निकालने का सवाल ही नहीं है, आकाश नीचे आ जाए या जमीन ऊपर चली जाए। मूसा, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता, तुम अपना फैसला बदल दो। राधो, राधो, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो सफाई वाला वापस आ गया है। तुमने उसे कहाँ देखा? वो हमारे अपार्टमेंट का वॉचमैन बनकर आया। चलो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है, तुम जाओ। किसी ने हमें एक साथ यहाँ देखा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है। Oh,
इस वॉचमैन को मैं ज्यादा सीरियस तो नहीं ले रही हूँ। प्लम्बर आया है, टैप बंद करना था। वॉचमैन, तुम्हारा नाम क्या है? वॉचमैन। हेलो। हाँ, बैठो बेटा। भाई साहब, राधा और विक्रम एक दूसरे को चाहते हैं। हमें तो राधा बिटिया पसंद है। अच्छी बात है, आप सबको मेरी बेटी राधा पसंद है, पर मुझे भी तो आपका बेटा पसंद आना चाहिए। हमारे बेटे में क्या कमी है? एसआई ट्रेनिंग कर चुका है, कुछ ही दिनों में पोस्टिंग भी हो जाएगी। पापा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं राधा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे लगता है मेरी बेटी राधा मेरे घर से ज्यादा आपके घर में खुश रहेगी। इसकी मां नहीं है, जाने अनजाने अगर इससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। भाई साहब, अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को जमाई बनाकर भी रख सकते हैं। मेरी ऐसी किस्मत कहां भाई साहब, आप लोग अपनी बहू को अपने घर लेकर जाइएगा। अच्छा सा दिन देखकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त निकलवा कर आपको सूचित करता हूँ। अब हमें आगे। ठीक है, नमस्ते, चलता हूँ बेटा। चलो बेटा। वॉचमैन, जरा बच्चे को उठाओ। वॉचमैन, बच्चे को नीचे रख दो। रुक जाओ। देखो बेटा, अब से तुम्हें इस पैर से चलने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम सोचते हो ये तुमसे नहीं होगा तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर तुमने कुछ करने का फैसला किया, तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने दिमाग का हौसला बढ़ाओ। शरीर को एक्टिव करो। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए और तुम गिर जाओ तो तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम जीवन में कभी नहीं चल पाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। विवेकानंद जी ने कहा था, हिम्मत जीवन देती है और कमजोरी मौत। अगर तुमने चलने की ठान ली हो तो जमीन पर गिरने के बाद भी उठो और आगे बढ़ो। अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपना मनोबल बढ़ाओ और हौसलों की उड़ान भरो। Thank you.
स्टॉप इट। तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हटो। आज तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। कितने सालों से हम लोग यहां पर मिलजुल कर रहते हैं। भले हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें, लेकिन वॉचमैन पर सबको भरोसा होता है। हम जब कहीं जाते हैं तो चाबी तुम्हारे हाथ में देकर जाते हैं। अगर घर में औरतें अकेली होती है तो हम तुम्हें बताकर जाते हैं, पर आज तुमने हमें धोखा दिया है। धोखेबाज कहीं के। इससे बात क्यों कर रहे हो सर? क्यों शैतान को गीता का पाठ पढ़ा रहे हो? जल्दी जरा। आप जरा रुको अंकल, हम इसे अपने स्टाइल में समझाते हैं। नहीं नहीं, इसे यहाँ से निकाल देते हैं। किसी अपराधी को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। आज इसने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल किसी और का पकड़ सकता है। अरे रुको रुको रुको, आपकी बात सही है, पर हम इस लफड़े में क्यों पड़े? पुलिस को फोन करते हैं, वो आकर इसे ले जाएगी। आप रुकिए अंकल, हम इसे सबक सिखाते हैं। तुमने हमारी बहन राधा का हाथ पकड़ा। स्टॉप इट, पहले इसे बाहर निकालो। देखा तूने, राधा बहन कितनी अच्छी है। तूने उसका हाथ पकड़ा फिर भी उसने माफ किया। तुम इससे क्या बात कर रहे हो? ले करो इसे। रुको 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 रुको, बच्चों से कुछ मत करना। हे, तू हमें डराता है ना? लोगों ने मुझे मारा, सबके सामने मारा, मुझे लहू लुहान करके बाहर निकाला। ए! तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, तुम मरोगे, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे। हाँ, उस वॉचमैन को अच्छा सबक मिला है कि नहीं? उसकी किस्मत खराब थी जो वो यहां आया। ए, अब जब मूसा भाई दूसरा वॉचमैन नहीं रखते, हम आजाद पंछी हैं। अब हमें इसकी क्या जरूरत है? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। चीयर्स। ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहां से। चलो। अरे कोई मेरी बात सुनो, पवन बाबू की मौत हो गई है, पुलिस को जल्दी फोन करो। पवन, पवन, पवन। उसने जो कहा वो
कर दिया, उसने मेरे बेटे को मार दिया सर। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस अपार्टमेंट से रोज एक लाश निकलेगी। हमें लगा था कि बच्चों ने उसे मारा तो उसने गुस्से में ऐसा कहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सच में ऐसा करेगा। सर, हमने उसे मारा था सर, इसलिए उसने हम में से एक को मार दिया। हम ये सोचकर घबरा रहे हैं कि कल किसका नंबर होगा सर। डोंट वरी, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, पक्का मैं उसे पकड़ लूंगा। खासकर तुम ध्यान रखना, किसी भी सिचुएशन में बाहर मत निकलना तुम। अगर अर्जेंट हो तो अपने साथ किसी को लेके जाना। बी केयरफुल। उस दिन मुझे राधा मैडम ने कहा था सर कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे बाहर निकाल दो। उस दिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। अगर उस दिन इनकी बात मान गया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती सर। उसे किस एजेंसी ने भेजा था? फाल्कन सिक्योरिटी एजेंसी सर, अभी नहीं खुली है। नमस्ते सर, बैठिए। मुझे मधुरा अपार्टमेंट के वॉचमैन रुद्रा का एड्रेस चाहिए। क्या हुआ सर? क्यों, बताना नहीं चाहते हो क्या? सर, मैं तो बस कारण जानना चाहता हूँ। वो अपार्टमेंट के एक लड़की को मार के भाग निकला है। हे भगवान, एक मिनट सर। इसमें सिर्फ नाम ही है सर। सिर्फ नाम ही काफी होता है क्या? एड्रेस तक नहीं लिखा तुमने, अब इस नाम से कहां ढूंढे उसे? उसने सब प्लान किया था। आप अपने यहां वॉचमैन इसी तरह रखते हैं क्या? आप उसे कब से जानते हैं? लगभग 3 महीना पहले वो हमारे पास काम की तलाश में आया था। वो रोज हमसे काम के बारे में पूछता था। एक दिन मधुरा अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉचमैन की जरूरत है। उस अपार्टमेंट के साथ हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सर, और वो रुद्रा उसी वक्त आ गया। वो नया था सर। उसने कहा कि वो वॉचमैन के तौर पे कहीं काम नहीं किया है। तब मुझे लगा कि वो उस अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो सही रहेगा, आपको कैसे लग गया? क्या है सर, उस अपार्टमेंट में कोई भी सिक्योरिटी वाला काम नहीं करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? अफवाह है कि अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में कोई भूत रहता है जो वहां किसी को काम नहीं करने देता है सर। भूत रहता है? हाँ सर, इसीलिए उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं जाना चाहता है। रुद्रा यहाँ नया था सर, उसे उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसे वहाँ वॉचमैन बनाकर भेजा सर। उसे अपार्टमेंट के बारे में कैसे नहीं पता था? वो तो उसी एरिया में सफाई का काम करता था। क्या सच में? याद आया सर, जब मैंने उसे उस अपार्टमेंट के बारे में बताया ना तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि नौकरी मिलने की खुशी है। लास्ट टाइम जो वॉचमैन अपार्टमेंट छोड़कर के गया, क्या उससे बात कर सकता हूँ मैं? सर, अब वो यहाँ नहीं है। जब उसने वहाँ भूत देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। शहर के मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है सर। ये कोई साधारण केस नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। रुद्रा का और मर्डर का और भूत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना होगा। अपार्टमेंट के हत्यारे वॉचमैन से तुम्हारा क्या संबंध है? वो आदमी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था सर जी।
बस मैं उसे इतना ही जानती हूँ। पहचान की वजह से मैं उस अपार्टमेंट में जाती थी, बस इतनी ही बात है। उस रात मैंने तुम्हें वहां कुछ दफनाते हुए देखा था, क्या था वो? नींबू थे सर, सच में सर वो सिर्फ नींबू थे। मेरे पति के पास काम नहीं है, वो एक नंबर का बेवड़ा है। वो मेरे सारे पैसे दारू में खर्च कर देता है। मुझे मेरी बेटी की परवरिश करनी है, उसकी शादी के लिए मुझे पैसे जोड़ने थे। मैंने अपने पति को बिना बताए पैसे बचा रही थी और उसी अपार्टमेंट में नींबू के नाम पर इधर उधर पैसे छुपा देती थी सर जी। मैं वहाँ गड्ढा खोदती और नींबू के बहाने पैसे छुपाती थी ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े। अगर किसी की नजर पड़ी तो पहले उन्हें मेरे छुपाए हुए नींबू मिलेंगे, जिससे वो घबरा जाएंगे, फिर उनको छुपाए हुए पैसे नहीं मिलेंगे। जब मुझे पता चला कि वहाँ के लोगों ने रुद्रा को मारकर अब बाहर निकाल दिया, मैं उसी रात अपार्टमेंट में गई थी और मैंने सारे के सारे पैसे निकाल लिए। सही कह रही हूँ सर, बच्ची की कसम खाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। उस लड़के को आखिर किसने मारा है? रुद्रा ने मारा या फिर अपार्टमेंट के भूत ने? अगर रुद्रा को पकड़ लिया तो सच्चाई सामने आ जाएगी सर। वो तो नेक्स्ट है, पहले मुझे अपार्टमेंट के सारे लोगों से मिलना होगा। एसआई साहब, आपने हम लोगों को यहां क्यों बुलाया है? जब हमने इस अपार्टमेंट के हत्यारे वॉचमैन की डिटेल्स निकाली तो हमें एक रहस्यमय सच का पता चला। मतलब कुछ कारण सामने आया। क्या कारण आया? आप लोग को पता है इस अपार्टमेंट में कोई वॉचमैन टिकता ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं टिकता बेटा? आपके अपार्टमेंट की पार्किंग में भूत रहता है। भूत? क्या हुआ? I know it's funny, आजकल भूत होते हैं क्या? हमने यहाँ पर कभी भूत नहीं देखा सर, पहली बार आपके मुंह से ही ये बात सुन रहे हैं। अगर सच में यहाँ भूत होते तो वो जरूर हमें डराते या फिर मार देते। सिर्फ वॉचमैन को डराना बात समझ में नहीं है। लगता नहीं है ना, लॉजिक मिस है। पता है मैं यहां क्यों आया हूं? आखिर ये राज क्या है और उस राज से पर्दा उठाने के लिए। समझ गए तुम लोग? वॉचमैन क्यों भाग जाते हैं मुझे जानना है। खुद बताओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा स्टाइल सह नहीं पाओगे। ये क्या लग रहा है? वो हमें सर, रात में हम लोग भूत का मुखौटा पहनकर वॉचमैन को डराते थे। हे भगवान, सुना आपने? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? सर, एक बार पुलिस ने हम पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया था। उन्होंने हमारे पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया था। तभी हमारे पेरेंट्स को पता चला कि हम दारू पीते हैं। फिर उन्होंने हमें पॉकेट मनी देनी बंद कर दी। तब हमने प्लान बनाया ताकि हम पीने के बाद पकड़े ना जाए। हमने एक प्लान बनाया सर और वॉचमैन शिवा से डील कर ली कि अगर हमने उसे हर रात एक क्वार्टर दिया तो वो हमें पार्किंग में पीने को अलाउ करेगा, और तभी से हम हर रात पार्किंग में पार्टी करने लगे। पर शिवा के मन में लालच आ गया और वो हम सबको ब्लैकमेल करने लगा। वो कभी भी हमसे पैसे या दारू मांगने लगा, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और हम परेशान हो गए थे। तब हमने उसे यहाँ से निकालने का प्लान बनाया और तभी हमें ये आइडिया आया, अगर हम भूत का मास्क लगाकर वॉचमैन को डराएंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। हम सभी को ये आइडिया पसंद आया, हमने वैसा ही किया सर और हम कामयाब भी हो गए। फिर हमने यहाँ आने वाले सभी वॉचमैन के साथ मास्क पहन के ऐसे ही डराने लगे सर। फिर तुम रुद्रा को क्यों नहीं डरा पाए? ट्राई किया था सर, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ, जबकि रुद्रा ने ही हमें डरा दिया।
से क्या हो गया? फोटो खींच लो। मेरे बच्चे के साथ क्या हो जी? पहले किसने देखा? मैंने देखा था सर, मैं यहाँ अपने कपड़े सुखाने आई थी और ये यहीं मरा पड़ा था सर। मेरा बच्चा राहुल, मेरा बच्चा, देखिए मेरे बच्चे को, देखिए ना क्या हो गया मेरे बच्चे को। विक्रम, देखा ना बेटा, उसने जो कहा वो कर दिया, उसे किसी भी तरह पकड़ो बेटा। अब तो हमें ये सोचकर भी डर लग रहा है कि हमारे अपार्टमेंट के लोगों का क्या होगा सर, कुछ कीजिए सर। सर, सर, वो हमें नहीं छोड़ेगा सर, प्लीज सर हमें बचा लीजिए सर। सर, उसका अगला शिकार मैं ही हूँ सर, हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमें एक साथ ना मार दे, वो यहाँ से भागकर कहीं छुप गया सर। तुम दोनों का यहीं रुकना सेफ होगा, बाहर वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा, इसलिए जब तक वो पकड़ा ना जाए अपने घर में ही रहो, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बी केयरफुल। मुझे पता था, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो रुद्रा हर रात को मेरे साथ लिफ्ट में आया करता था, जबकि वो मेरे घर तक आता था, पर कुछ पूछ नहीं पाई। मुझे पता नहीं था ऐसा करने से वो मुझे परेशान करने लगेगा। वो दोनों लड़के सिर्फ मेरी वजह से मारे गए हैं, मैं ही इन हत्याओं की जिम्मेदार हूँ। राधा, तुम परेशान मत हो, अब सबको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस रुद्रा को पकड़ के रहूंगा। जिंदा मिला तो ठीक है, नहीं तो मुर्दा ही सही। राधा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, समझी? मधुरम अपार्टमेंट में दो लड़कों के हत्यारे वॉचमैन को पुलिस बड़ी बेसब्री से ढूंढ रही है। अगर किसी को भी यह हत्यारा कहीं नजर आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर सूचित करें और पुलिस की मदद करें। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। दो कॉन्स्टेबल्स को बुलाओ। ये क्या? ये तो यहां पहले ही मरने की हालत में पड़ा है। इसने फ्रिज में रखा जूस पिया और तब से ये उठ नहीं रहा है सर। हे, उस जूस में क्या था? हाँ सर, बाबूजी की मौत के बाद माँ दुखी रहने लगी और उनका दिमाग खराब हो गया। रात में अच्छे से सोने के लिए हम उन्हें नींद की दवा देने लगे, पर माँ को ऐसी दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं था सर, इसलिए वो दवा नहीं लेना चाहती थी और तब से हम दवाई जूस में मिलाकर उनको दिया करते थे। हम अक्सर वो जूस फ्रिज में रखा करते थे और इसने वो साधारण जूस समझकर पी लिया। अब इसकी नींद पूरी हो गई होगी, ले चलो इसे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मार क्यों रहे हो? क्योंकि पुलिस स्टेशन में पूछताछ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और यहाँ पे नो रूल्स। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तेरा यहाँ इनकाउंटर कर दूंगा। अजय, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? चल बताओ, तूने इतनी बेरहमी से इन्हें क्यों मारा? बोल, बोल ना। मुझे पता था, मुझे लगा था कि वहां ऐसा ही कुछ होगा। उस अपार्टमेंट के लोगों ने मुझे जानवरों की तरह पीट पीट कर बाहर निकाल दिया, इसीलिए उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। क्या बक रहा है तू? सच सच बता मुझे। मैं सब सच कह रहा हूं, ये सिलसिला सिर्फ दो मौत तक नहीं रुकेगा, अभी कुछ और भी बाकी है।
वहां रोज रोज लाशें गिरेंगी, यही सच है। देख, सीधे सीधे पॉइंट पे आ जा। तूने उन्हें मारा है या फिर किसी को मारने की सुपारी दी है? सब कुछ सच सच बता दे, वरना तुझे यही ठोक दूंगा। आप मुझे ठोक देंगे, पर उसे कैसे रोकोगे जिसने दो लाशें गिराई? कौन है वो? उसी अपार्टमेंट में रहती है, 307 नंबर फ्लैट में रहती है, प्रमिला। अगर तूने प्रमिला के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। प्रमिला की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। नहीं, उसे मरे आज 2 साल 3 महीने और 15 दिन पूरे हो चुके हैं, समझे? प्रमिला अब चुड़ैल बन चुकी है और वो अपना बदला लेगी। सर, इसी ने दोनों मर्डर्स किए हैं और अब ब्लेम भूत पर डालकर खुद को बचाना चाहता है। हे, देख मुझे तू कहानी मत सुना। मुझे पता है तू इस तरह की बातें करके इस केस से निकलना चाह रहा है, यही चाहता है ना तू? साधु हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। हम इंसानों को मारते नहीं जबकि उनकी रक्षा करते हैं। हम तो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुनिया की खुशहाली हमारा उद्देश्य है। तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? ये क्या है मां, किस सोच में डूबी है? रुद्रा, कल मैं एक अपार्टमेंट में गई थी, वहां के लोगों ने मुझे वहां रुद्र यज्ञ करने को कहा। जब तुम जिंदा थी तो तुम एक अपाहिज लड़की थी, तब तुम्हें किसने सहारा दिया? मार दूंगी, सबको मार दूंगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिली और तुम एक आत्मा बन गई, आखिर क्यों? जिस कुर्सी पर बैठी हो वहां से तुम एक इंच भी नहीं हिल पाती। मार दूंगी ये मंत्र तुम जापती रहती हो, क्या इससे तुम्हें शक्ति मिलती है? चाहे जितनी भी शक्तियां इकट्ठा कर लो लेकिन तुम जीत नहीं पाई, पता है क्यों? क्योंकि तुम एक अपाहिज हो। चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो पर हमेशा असफल रहोगी। जीवन की आखिरी मंजिल है मौत, कुछ हासिल नहीं होगा, छोड़ दो ये सब। प्रेत आत्मा बहुत खतरनाक और डरावनी होती है। इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाओ, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक अशांत आत्मा की ना कोई मंजिल होती है ना कोई लक्ष्य होता है। जाओ, चली जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपना बदला नहीं लेती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना बदला लेने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे बदले के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, नहीं, नहीं बताऊंगी। तो चली जाओ, चली जाओ। प्रमिला के अंदर काफी शक्तियां आ गई हैं। गुस्से में उन लोगों को मारेगी जिन्हें मारने का फैसला किया है। अब क्या करने वाली है माताजी? मैंने उससे बोल दिया है कि वो एक अपाहिज आत्मा है, बिना शक के वो शायद मान भी गई है। आपने कहा कि अगर आत्मा किसी को मारना चाहती है तो वो उसे मार के रहती है और वहाँ उसकी वही शक्तियाँ काम करती हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। एक आत्मा को किसी की जान लेने के लिए उसे अपनी शक्तियों के किसी दूसरे का शरीर लेना पड़ता है, क्यों माताजी? इसीलिए तो उसने राधा के शरीर को चुना, क्योंकि वो भी वही रहती है।
अगर कल मैं वहां रुद्र यज्ञ के लिए नहीं गई होती तो कई दुर्घटनाएं हो सकती थी। हमें प्रमिला की शक्तियों को अपने वश में करना होगा, जिसने इस वक्त रुद्र रूप धारण कर लिया है, और इसीलिए मैं केदारनाथ जा रही हूँ। मैं वहाँ 11 दिन का शिवलिंगम अभिषेक करके वापस आऊंगी। मुझे वहाँ से राख और गंगा जल भी लाना है, और तब तक तुम ये ध्यान रखना कि कहीं आत्मा राधा के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ये मंत्रों से गठित विभूति है, अगर जरूरत पड़े तो ही इस्तेमाल करना। ये है रक्षा कवच, उस आत्मा से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए माता जी के कहे अनुसार मैं हर समय राधा की रक्षा करता था। तो तुम राधा को बचा रहे थे, फिर तुमने राधा के साथ मिसबिहेव क्यों किया? उसका भी एक कारण है। नहीं, उसने कभी किसी के मुंह से प्रेम के दो शब्द अगर गलती से सुन लिए तो उन शब्दों से उसे वापस उठने की प्रेरणा मिलेगी। उठ गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। विभूति खत्म हो गई। आत्मा को राधा के घर में प्रवेश करने से रोकना होगा। क्या करूं, कैसे? शरीर में प्रवेश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू और तेरी माता जी दोनों मिलकर मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तू इस अपार्टमेंट के बाहर गई तो कोई नहीं रोक पाएगा, जानता हूं मैं। इसीलिए मैंने तुझे इस अपार्टमेंट में कैद कर रखा है। अगर तूने राधा के शरीर को छुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर हर महादेव शंभु शंकर। तू मेरे रास्ते में आ रहा है, अब दिखाती हूँ मैं तुझे कैसे यहाँ से बाहर निकालती हूँ, समझा? मैंने प्रमिला की आत्मा को अपार्टमेंट से बाहर जाने से रोका। राधा की राह देखने लगा, अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करता रहा। इसीलिए मैंने उस दिन राधा का हाथ पकड़ा था। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जब वो लोग मुझे मार रहे थे
तब मेरे हाथ में बंधा वो रक्षा कवच वहीं गिर गया था और उसी की तलाश में मैं वापस अपार्टमेंट गया। जिसने मुझे और मेरे पापा को मारा है मैं उनसे अपना बदला लेने आई हूँ, इसलिए मैं वापस आई हूँ। क्या कहा? अंकल की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई? किसी ने तुम्हें और अंकल को मारा था? कौन है वो? पार्वती, उस दिन के एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। पार्वती, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इस तरह पूरी जिंदगी व्हील चेयर के सहारे चलेगी। अब मैं उसके लिए जीऊंगा पार्वती, मैं अपनी बच्ची के लिए जीऊंगा पार्वती, अपनी बच्ची के लिए। बेटा, हमारा नया फ्लैट कैसा है? पूरे घर में हर जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारी यादें ही हमारा सहारा हैं और हमें जीने की हिम्मत भी देती हैं। वो हमें कभी दर्द नहीं देती बेटी, इसीलिए मैंने पुराना फ्लैट बेचकर ये नया फ्लैट खरीदा है। तुम रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? जब मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया और मैंने शादी की, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गया। इसी तरह हम सब एक दूसरे को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे बेटा। जब हम नया करते हैं तभी कुछ नया होता है बेटी। यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, एक नया माहौल, धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। हाय अंकल। हाय बेटा। हाय। प्रमिला का एक्सीडेंट हो गया था बेटा। ओ, आप यहाँ पर रहने आए हैं? हाँ बेटा, अभी आए हैं। हम इसी बिल्डिंग के 305 नंबर फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, बस इसे बाहर घुमाने ले जा रहा था। अंकल, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, प्रमिला को मैं ले जाऊंगी। मैं इसे सभी से मिलवा देती हूँ। बहुत खुश हूँ प्रमिला, हम दोनों बिना माँ की बेटियाँ हैं। हम दोनों जल्दी एक दूसरे को समझकर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, समझ गए? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। राजेश अंकल के अनाथ आश्रम के लिए मैं हैदराबाद से फंड लेने जा रही हूँ। मैं 4 दिनों में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह शरीफ लोगों के रहने के लिए है, कोई बार या पब नहीं है ये, जहाँ तुम लोग पीकर मौज मस्ती करो। सच में? हमें तो पता ही नहीं था तेरी ऐसी की तैसी।
Hey old man, hold your tongue. नहीं तो काट दूंगा तेरे को। hey, हम इससे लड़ क्यों रहे? फ्रेंडशिप की बात करते हैं। जरा तो रुक, क्योंकि इस अंकल की एक ब्यूटीफुल बेटी है, कम से कम उसके लिए तो इनको जाने दो। हे, क्या बोल रहा है? हे, तू क्या बोल रहा है ब्रो? वो बहुत मस्त है, पर वो हमें भाव ही नहीं देती। बताइए हमें क्या करना होगा? अपना मुंह बंद रख। तुम लोग ये जो कर रहे हो इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे परवरिश की गलती है। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा। इसने मुझे चाटा मारा ना, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये पक्का हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देगा। अगर हमारे बारे में उन्हें पता चला तो अपना सारा मामला फिनिश, हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी यार। हे, उसने कहा कि कल वो हमें अपनी ताकत दिखाएगा, तो एक काम करते हैं, हम आज ही उसे अपनी ताकत दिखाते हैं। चलो चलो। कल मिलिट्री डॉक्टर इंग्लैंड से यहां के लिए निकलेंगे। यहां के डॉक्टर ने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स उन्हें भेज दी है और उन्होंने चेक भी कर लिया है और कहा है कि ऑपरेशन के लिए तैयार रहिएगा, इसीलिए इन पैसों का इंतजाम कर दिया है। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बेटी दोबारा अपने पैरों पर चलने लगे, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। इस वक्त कौन आया है? कौन है? आ रहा हूं। तुम लोग यहां क्यों आए? सुनो, तुम लोग चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगा। ज्यादा बोल रहा है भाई, हो रही लड़की। पैसे? अगर पैसे नहीं जाएंगे तो ये पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। अब हम क्या करें भाई? मार देते। अगर इसे मार दिया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, वो हमें अरेस्ट करके जेल में फेंक देंगे। मैं दारू के बिना नहीं जी सकता। हमें इस बुड्ढे की मौत को हार्ट अटैक दिखाना होगा। इसकी उम्र देख, तुम्हें लगता है इसे हार्ट अटैक आएगा? हार्ट अटैक आने में हम उसकी मदद करते हैं। तुझे व्हीलचेयर पर बैठी हुई इतनी हॉट लड़की दिख रही है, अगर मैंने इसको टच भी किया ना तो बुढ़े की दिल की धड़कन अपने आप ही रुक जाएगी। और जोर से मार, हम भी यही चाहते हैं, बिना मारे तू मर जाए, जब तक मर ना जाओ तब तक मारो, मारो और जोर से। मर गया भाई। उसको भी इसके बाप के पास पहुंचा दे क्या? नहीं भाई, अगर दोनों मर गए तो पुलिस केस बनेगा, जो हमारे लिए डेंजर है, इसे छोड़ देते हैं, वैसे भी ये अकेली मर जाएगी। Thank you.
बदमाशों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। मैं उन पर पुलिस केस करूंगी, सभी को जेल भिजवाऊंगी। उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम अंकल के कातिलों को ऐसे ही जाने देंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारती, मेरा मतलब पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपने मकसद को पूरा करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राधा। उन लोगों की सजा सिर्फ मौत है। बोलो मैं क्या कर सकती हूँ प्रमिला। मैं अभी बस एक निर्दयी आत्मा हूँ जिसकी मौत हो चुकी है। अगर मुझे उन लोगों को मारना है तो मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो। ए, कौन है? कौन है तू? मुझे इतनी जल्दी भूल गए? तुम लोगों ने मुझे और मेरे पापा को मारा था। इसी तरह राधा की मदद से प्रमिला ने दो लड़कों को मारकर अपना बदला लिया। यही सच्चाई है। मैं शिव की सौगंध खाता हूँ। राधा प्रमिला की आत्मा की मदद कर रही है। भैया इतनी देर से यह सिर्फ आपकी बेटी की बात कर रहा है। आपकी बेटी आत्मा की नहीं प्रेतात्मा की मदद करेगी। सर कुछ कीजिए सर, बच्चों की जान बचाइए। वो पहले ही दो लोगों को मार चुकी है। दो लोगों को और मारने वाली है। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। लेट्स गो। आप भी हमारे साथ चलिए। माता जी का दिया हुआ रक्षा कवच तो कहीं खो गया। आत्माओं को रोकना इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। मैं आश्रम जाकर वापस रक्षा कवच लाता हूँ। पर एक बात और सुन लो ऐसा साहब, अब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बीच में आए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। रुद्रा जी अब मेरी बेटी का क्या होगा? सबकी मदद परमेश्वर करता है। हर हर महादेव शंभु शंकर। ऐसी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे रेस के घोड़े हैं हम। उस वॉचमैन की वजह से हम जेल में बंद कैदी हो गए हैं। मानो हमारी जिंदगी नरक सी हो गई और हम मौत के डर से छुपकर बैठे हैं। ऐसे डर के जीने से अच्छा है डर को ही भूल जाते हैं। और इसका एक ही उपाय है। बहुत हो गया, चल चलते हैं। मूर्ति की तरह क्यों बैठा है? कुछ तो बोल।
हेराम, 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 क्या शोकर? तुम दोनों भी हत्या में शामिल थे ना? फिर मौत को सामने देखकर इतना क्यों डर रहे हो? राधा बहन, राधा बहन, हमने तो किसी की भी जान नहीं ली। हमने ये सब नशे की हालत में किया था और हमें उस गुनाह की सजा मिल चुकी है। राधा बहन, हमें यह बात समझ आ गई है कि भगवान गुनहगारों को कभी भी माफ नहीं करता है। राधा बहन, वो जो 25 लाख रुपए हम ले गए थे, वो सारे पैसे हम जुए में हार चुके हैं। उसी पाप की वजह से मेरे दोस्त मेरे आंखों के सामने मर चुके हैं। प्लीज बहन, मैंने जो किया वो गलत था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहन मुझे माफ कर दो बहन, प्लीज बहन, बहन मुझसे गलती हो गई है बहन, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई बहन, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रमीला तो काफी पहले मर चुकी थी ना, ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ कैसे? की मौत का जिम्मेदार होगा, पर इसे कानून सजा देगा। इसे सजा दिलाने का तुमसे वादा करता हूं। बस तुम मेरी राधा का शरीर छोड़ दो। अपना बदला लिए बिना मैं राधा का शरीर नहीं छोड़ूंगी। तुम चले जाओ यहां से। जाओ। राधा के शरीर से तुम्हें बाहर निकालना मुझे आता है। तुम्हारी ताकत इस गेट के बाहर नहीं है। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी कर लो। हे, रुक जाओ, हे! आखिर तुमने इसे निकाल के फेंका क्यों? इस आदमी ने प्रमीला की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। इसे अब जीने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम यहाँ रहोगी, मुझे रोकते रहोगी। मैं तुम्हें मार दूंगी।
भगवान वो होता है जो गलत को सजा दे और सही की रक्षा करे। हम लोग कौन होते हैं इसमें कुछ कहने वाले? जो भी है, तुम भगवान के बारे में क्या जानती हो? अरे वो तो हमेशा माफ करते आए हैं, किसी को सजा नहीं देते। मैं वो भगवान नहीं जिस पर तुम लोग भरोसा करते हो। पापियों के सर्वनाश के लिए मैं मर गई हूँ। मेरी कोई कहानी नहीं, पर बदला सिर्फ मेरा है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, चले जाओ यहाँ से। रमीला, या ये नम व्यक्ति हंतारम यच्चे मन्यते हतम उभौतो नो विचानितो नायम हंती नहान्यते। कोई सोचता है कि आत्मा किसी की जान लेती है और दूसरा सोचता है कि आत्मा को कोई भी मार सकता है, पर दोनों बेवकूफ हैं। गीता में कहा गया है आत्मा किसी की जान नहीं लेती और ना ही उसे कोई मार सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, हमारे किए हुए कर्म वो सब तय करते हैं। इतिहास में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आत्मा किसी की जान लेकर शांत हो जाती है। जाओ, राधा का शरीर छोड़कर चली जाओ। अपने गुस्से को बाहर निकाल कर फेंक दो और शांति की तरफ बढ़ो। अगर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माता जी, मेरा बदला आपके शब्दों से पूरा नहीं होगा। मैं इसे मारे बिना राधा का शरीर नहीं छोड़ूंगी। प्रमिला, आत्मा शांति की तलाश करते हुए दूसरी दुनिया में निकल जाती है, ना ही किसी के जीवन में उथल पुथल करती है। मैंने इतने दिन यहाँ रहकर सारी शक्तियाँ इकट्ठा की है ताकि मैं इसे मार सकूं, ना कि मैं आपसे डरूं। माता जी, ओम नमः शिवाय। राधा, जिस राधा ने आखिर तक तुम्हें सहारा दिया, तुम उसके एहसानों को भूल गई हो प्रमिला? एक बार होश आने के बाद ये सब पुरानी घटनाएं भूल जाएगी। प्रमिला, तुम बेकार की कोशिशें मत करो। अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें शांति मिले। इंसान जो मरता है उसका फिर से जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तुम्हारी आत्मा दूसरी दुनिया में जाएगी, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अपनी आत्मा को अहंकार और क्रोध से अपवित्र मत करो प्रमिला। भगवान हर पापी की सजा लिख कर रखता है। तुम शांति से चली जाओ, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस दुनिया की कठपुतलियां हैं जिसे शिव भगवान चलाते हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और बदले की आग में खुद की आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गुस्से को अपनी आंखों से बाहर फेंक दो। सुनो प्रमिला, तुम सबको माफ कर दो, क्रोध और अहंकार को बाहर फेंक दो। सुरक्षित है, तुम दोनों शादी करके शांति से अपना जीवन बिताओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राधा,
ये लो। मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। पर क्या? मतलब ये कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा और वही तो कर रहा हूं। ये अभी भी जिंदा है? चली गई, तुम अपना बदला पूरा किए बिना चली गई, ये बदला आखिर कैसे पूरा होगा?